परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। आज जुलाई के आखिरी दिन हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि उसने हमें पूरे महीने सुरक्षित रखा। कितना ही आशीषमयी महीना रहा ये हमारे लिए। जब कितने ही लोग बीमारी में फंस गए थे, परेशानियों से गुजर रहे थे, प्रभु ने हमें बचा के रखा। क्या ये काफी नहीं कि हम उसका धन्यवाद करें? आज हम जिस वचन के भाग की तरफ मनन करने वाले हैं वो प्रेरित याकूब के द्वारा लिखी गई किताब उसका पहला अध्याय उसका 23वां वाक्य है। वहां ऐसा लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। इस अनुग्रहित वचन से हम सत्य वचन और नम्रता विषय पर मनन करेंगे। पढ़ा हुआ वाक्य हमें बहुत स्पष्ट रूप से ये बताता है कि जो हृदय में बोया गया है उसे नम्रता से बर्ताव करें। हो सकता है कि आप सोचेंगे कि जो आप में पहले बोया गया है उसे वापस स्वीकार करना जरूरी है क्या? यहीं पर हमारे जीवन में नम्र स्वभाव की जरूरत पड़ जाती है। सारी बातों को उसी के अनुरूप समझने के लिए नम्रता की आत्मा हमारे जीवन में होनी चाहिए। लेकिन इसी के विपरीत नम्रता की आत्मा की बजाय अगर हमारे जीवन में घमंड की आत्मा है तो हमारी गलतियों को हम पहचान नहीं पाते और उसके विपरीत हम उसके खिलाफ वाद विवाद करने वाले बन जाते हैं। यहाँ लेख लिखने वाला याकूब प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेशों द्वारा बहुत अधिक प्रभावित हुआ एक व्यक्ति था। हम वचन में देखते हैं उसकी नम्रता उसे बड़ा बनाती है। याकूब के जीवन का अध्ययन करें तो प्रभु यीशु मसीह के धरती की सेवा के समय में वो प्रभु के पीछे चलने और उस पे विश्वास करने के विषय में थोड़ा पीछे रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन यीशु मसीह को स्वीकार कर लेने के बाद वो नम्रता की आत्मा के द्वारा चलाया गया व्यक्ति बन गया। नम्र होने के बावजूद मसीही समूह में अन्याय और लालच के विरोध में एक स्पष्ट राय रखने वाला व्यक्ति था। वचन के विद्वान याकूब को नए नियम के आमोस के रूप में जानते हैं। इतना ही नहीं, उनके लेखों को नए नियम के नीति वचन के रूप में जाना जाता है। उसकी नम्रता उन्हें बड़ा ही नहीं बनाती पर उन्हें कई स्थानों में आगे भी रखती है। नए नियम में भी वो सबसे आगे गिना जाता है क्योंकि सारे लेखों में सबसे पहले लिखा गया था याकूब का लेख। प्रियजनों, हमने जो वाक्य पढ़ा उस पे हम वापस आ जाएं तो सत्य वचन जो हमारे हृदय में बोया गया है उसे स्वीकार करें तो हमारे जीवन की सारी गंदगी को दूर कर हमारा उद्धार करता है। इसलिए नम्रता का हमारे जीवन में होना बहुत अधिक जरूरी है। प्रियजनों, अगर नम्रता के साथ हमारे जीवन को वचन के आगे समर्पित करते हैं तो जिस प्रकार एक आईने के सामने हमारा चेहरा दिखाई पड़ता है उसी प्रकार से आत्मिक जीवन की सही हालत हम देख सकते हैं। हम पढ़े हुए वचन से समझते हैं कि सत्य हमारे जीवन में बोया गया है परंतु हमारे जीवन की अवस्था के कारण वो दब गया है, वो बढ़ नहीं रहा है और अपनी चेतना को वो निरंतर नष्ट करता जा रहा है। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि जो बीज बोया गया है उसमें और अधिक शक्ति है, वो हमारी आत्मा को छुटकारा देने की योग्यता रखता है। यही वचन भी हमें सिखाता है। हमें एक संपूर्ण छुटकारा ये वचन दिला सकता है, फिर चाहे वो हमारी आत्मिक जीवन की छुटकारे की बात हो, भौतिक जीवन के विषय हो या हमारे स्वास्थ्य के विषय हो, हर बात में छुटकारे के लिए वचन काफी है। लेकिन जीवन में नम्र स्वभाव नहीं होने की वजह से वचन की शक्ति हमारे जीवन से नष्ट होती जा रही है। ये बात हमें समझना जरूरी है। हमारे जीवन में वचन का बीज दब गया है, उसकी शक्तियां थमती जा रही है। आज सुबह के समय में सत्य वचन की तरफ हम नम्रता से आए और वो बीज जो हमारे घमंड से नष्ट होता जा रहा है उसे नम्रता का पोषण दे कि वो अपनी जड़ें गहरे में हमारे जीवन में उतार सके और हमारे जीवन में निरंतर बढ़ सके।
अब तक हमारे जीवन को अपने अधीन बनाए हुए दुष्ट की ताकतें निष्फल हो जाए। इस वचन के द्वारा मैं यही प्रभु में आग्रह करूंगा और प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपको आशीष से भरे। जय मसीह।